chocolate. सुस्वागतम 49वीं सीनियर नेशनल कैरम चैम्पियनशिप 2021-22 जो खिलाई जा रही है दादर के श्री हलारई विसा ओसवाल हॉल में। करीबन गए 4 दिनों से इस बेहतरीन प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है 4 दिन पहले, और आज इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन है। थोड़ी ही देर में इस टूर्नामेंट की पहली सेमीफाइनल मैच शुरुआत होगी। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा इस टूर्नामेंट के बारे में। इस बेहतरीन टूर्नामेंट में जो इक्विपमेंट पार्टनर्स है वो है सुरको कैरम बोर्ड, जिनकी तरफ से यहाँ पे हम देख रहे हैं 50 कैरम बोर्ड हमें स्पॉन्सरशिप में मिले थे। टाइटल स्पॉन्सर LIC ऑफ इंडिया। मैं खास बताना चाहूँगा कि हर एक अच्छे बड़े टूर्नामेंट में हमें LIC से बहुत बढ़िया सपोर्ट और सहयोग मिलता है। प्लैटिनम स्पॉन्सर्स है इंडियन ऑयल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ONGC एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इस सीनियर नेशनल कैरम चैम्पियनशिप में इस बार 229 2016 में। इस मैच को रेफर जो कर रहे हैं
बहुत ही अनुभवी और जाने माने नॉलेजेबल मिस्टर आलू बाकर इंटरनेशनल अंपायर है। चलिए अब थोड़ी देर में इस बेहतरीन प्रतियोगिता की शुरुआत होने जा रही है। दर्शकों से निवेदन है, आज संडे है, संडे के दिन रविवार के दिन आप अपने घर पर बैठे आराम से इस बेहतरीन मुकाबले का आप हाथ देख सकते हैं। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला होने जा रहा है प्रशांत मुरे आरबीआई वर्सेस सही पंजाब। दोनों खिलाड़ी आरबीआई से, मैंने अभी आपको बताया है, दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी हैं। Alongside 49 Senior National Interstate Carrom Championship 2021-22 Men and Women. This is men singles first semi-final match between two international players of India. Jair Pasha on sitting on my left hand side, whereas Mr. Prashant More, current world champion from RBI, sitting on my right hand side. Please give a big round of applause for the final. Match will be played based on 3 sets of 8 board each. Toss won by Jair Pasha of RBI and elected to break first. First board of first set, Jair Pasha of RBI to break. Score is love all. चलिए जहीर पाशा ने काउंट जीत लिया है और सिंगल जीत से यहाँ पे ब्रेक सक्सेस करते हैं। पोजीशन को निहार रहे हैं, लेफ्ट हैंड से थंब को पॉकेट में कर लिया और एक थंब कॉइन है जिसको भी पॉकेट करने में उन्हें कामयाबी मिली हुई है। बहुत ही अच्छी तरह से ग्रिप में संतुलन बनाए रखते हुए स्ट्रेट पॉइंट को पॉकेट कर दिया है। यहाँ पे देखिए और एक स्ट्रेट पॉइंट को पॉकेट कर दिया है। लाइन टच पॉइंट है या इसे ओपनिंग करने के लिए यूज किया उन्होंने। और ये जो ट्रिपल कनेक्शन का पेयर है, शॉट था शायद, उन्हें शॉट लगा तो उसे खेलने की प्रयास किया। 6 पॉइंट पॉकेट करने के बाद टर्न पास होता हुआ प्रशांत मोरे के पास, लेकिन प्रशांत से भी पॉइंट पॉकेट नहीं हो पाई। तब यहाँ पे देखिए पिन को सेफ जोन में लेके आए हैं जहीर। प्रशांत बहुत अच्छी तरीके से पहले पॉइंट को पॉकेट कर दिया है। यहाँ पे देखिए 1.2 खेलने का, मतलब एक ही शॉट में 2 पॉइंट पॉकेट करने के लिए रेडी है। जहीर ने क्वीन कवर पॉकेट कर लिया है और क्वीन कवर पर जहीर पाशा फॉर में लेफ्ट हैंड साइड के सामने वाले पॉकेट के नज़दीक ही से मिस कर दिया। हालांकि अच्छी तरीके से कनेक्शन खेलते हुए प्रशांत ने उसके 2 पॉइंट को पॉकेट कर दिया है। अब एक 3 पॉइंट को पॉकेट कर
कर दिया है और टर्न पास होता हुआ जहीर के पास, जहीर ने बहुत अच्छे तरीके से स्टेट पॉइंट पॉकेट कर दी और अब यहाँ पे देखना है तरीके से बहुत जोरों से उसे रिबाउंड में खींच लिया था और मैक्सिमम ब्लैक पॉइंट को अपने हिस्से देने का प्रयास किया, बट यहाँ पे ऐसे ना होते हुए देखिए प्रशांत ने वाइट को ग्लांस किया। प्रशांत भी वही चाह रहे थे कि एक वाइट अपने हाथों में अगर मैं खींच लूँ तो शायद एक सेफ टर्न हो सकता है। अब तीन पॉइंट प्रशांत की, एक पॉइंट वाइट पॉइंट जहीर की, देखिए प्रशांत किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। और थोड़ा सा मिसिंग करते हुए प्रशांत कट खोलने का प्रयास था, मिस कर दिया। यहाँ पे देखिए जहीर से भी पॉकेट के मिस्टेक जाती हुई पॉइंट अचानक से पॉइंट ने ब्रेक मार दिया और टर्न पास होता हुआ प्रशांत बची दो पॉइंट देखेंगे हैंडल करेंगे सिचुएशन। या तो सिंगल सिंगल खेलने का प्रयास होगा और अब वहाँ पे दो तीन ऑप्शंस हैं, या तो डबल टच खेल सकते हैं या तो एंगल खेल सकते हैं। देखिए एंगल का प्रयास किया था वन ब्लैक ऑन द बोर्ड बोर्ड इन द फेवर ऑफ जहीर पाशा ऑफ आरबीआई विद फोर पॉइंट्स। आप देखा पहला ब्रेक अपने हिस्से दे दिया है जहीर ने, चार पॉइंट बहुत अच्छी शुरुआत बोर्ड बोर्ड द्वारा खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी है इसलिए मैंने अभी अभी बताई थी नेशनल चैंपियन है प्रशांत दर्शकों को तो पता ही है फिर भी सेकंड बोर्ड ऑफ द फर्स्ट सेट प्रशांत मोरे आरबीआई टू ब्रेक स्कोर इज नील अगेंस्ट फोर। दोनों खिलाड़ी आरबीआई के हैं, पहली सेमीफाइनल का मुकाबला यहां पे आपके सामने द्वारा लाइव चलता हुआ। फिर एक बार अभी अभी जुड़े हुए सभी दर्शकों का मैं अंदर स्वागत करता हूं। पहला ब्रेक यहाँ पे ब्रेक के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ जहीर चार प्रशांत ये। प्रशांत का ये ब्रेक फेल हो गया है और जहीर को चांस मिला है तरीके से एक ब्लैक पॉइंट को पॉकेट कर दिया, दूसरी ब्लैक पॉइंट को पॉकेट कर दिया। जो इस खिलाड़ी की खेल के स्टाइल को देखिए नहीं भी ओपन होती है उसे रखते नहीं है, उसे पॉकेट करने के बाद सोचते कि आगे की सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करते हैं। यहाँ पे प्रशांत ने सिकंदर से एक थाउज पॉकेट किया, सोच रहे हैं उनके पास चार से पांच स्टेट पॉइंट्स हैं, अब किस तरीके से अंजाम देंगे इस ब्रेक को और धीरे धीरे हम देखेंगे ज़रूर कि फिनिश पोजिशन के नज़दीक जाने का प्रयास जरूर करें। यहाँ पे हम देखते हुए तो जरूर हुई थी पॉइंट हो गई और अब निहारते हुए 10 सेकंड का जो टाइम होता है उसमें खेलना पड़ता है इन खिलाड़ियों को, तो क्वीन पॉकेट करने का प्रयास था लेकिन मिस कर दी क्वीन पॉकेट के बहुत नज़दीक और इसका फ़ायदा उठाते हुए जहीर देखिए कोई लॉक नहीं कुछ नहीं सीधी पॉइंट पॉकेट कर दी ब्लैक, क्योंकि क्वीन का कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब सिचुएशन अगर ब्लैक की हम देखेंगे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, यहाँ पे देखना है जहीर ने ब्लैक पॉइंट को थर्ड पॉकेट खेलने का प्रयास किया था और वाइट को हार्ड करने जा रहे थे लेकिन हुआ कुछ एग्जैक्टली उल्टा, वाइट पॉकेट होगी और ब्लैक डिफिकल्ट। यहाँ पे प्रशांत देखिए किस तरीके से सिचुएशन और पोजीशन को हैंडल करते हुए पॉइंट को पॉकेट करते हुए
4 black Karman on the board, board in the favor of Prashant More of RBI with 4 points. Third board of the first set, Jair Pasha Bhatia to break score is 4 each. Third break की शुरुआत यहाँ पे होगी semi-final के पहले मुकाबले में. यहाँ पे देखो wrong मैंने shot लगा था, फिर भी हम देख सकते हैं, फिर भी white point pocket हुई और break success होता हुआ, खुला हुआ ये break है. देख रहा है एक point करने के प्रयास में miss कर दिया है easy point. इसी में इसलिए बोल सकता हूँ इन खिलाड़ियों के लिए स्ट्रेट पॉइंट बहुत ही ईजी होती है, बट कभी कभार मैच प्रेशर, मैच टेम्परमेंट में उंगलियों का संतुलन या ग्रिप कंट्रोल अगर निकल जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ईजी पॉइंट भी मिस होती है. यहाँ पे देखिए क्वीन का प्रयास और फिर एक बार एक्शन डिस्प्ले देख रहे हम लोग. लास्ट ब्रेक में इसी तरीके से अपोजिट कॉर्नर के पॉकेट पर प्रशांत की क्वीन रुक गई थी, अभी भी वैसे ही हुआ और बहुत इजी क्वीन और कवर को कर दिया है रहीर ने. अब एक कनेक्शन करने का प्रयास है जिसकी वजह से शायद उन्हें अच्छी पोजीशन मिले, इस वजह से वो धीरे धीरे अपनी साउंड पोजीशन करते हुए फिनिश पोजीशन तक पहुँच जाए. यहाँ पे देखिए अब इस पॉइंट को क्या वो बम यूज करेंगे और उन्होंने कर दिया है. अब सोच रहे हैं कि ओरिजिनल पॉइंट पॉकेट करूँ या फिर कुछ अलग. देखिए यहाँ बहुत अच्छी कोशिश की लेकिन टर्न पास करते हुए कर दिया है इस तरीके से. प्रशांत पॉकेट पॉइंट को खेलते हुए वाइट पॉइंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया. ये सुबह की पहली मैच होने के कारण शायद एसी हॉल है वो से नमी पोजिशन मिल रहे हैं. रुक रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है. यहाँ पे देखिए धीरे धीरे प्रशांत अपनी पोजीशन को फिनिश लाइन अप पोजीशन पे लाते हैं लेकिन दोनों ब्लैक जो है वो डिफिकल्ट किस तरीके से इसे हैंडल करेंगे देखना है. प्रशांत यहाँ जैसे उन्हें चाहिए था वैसे नहीं हो पाया और अगर ये रिबाउंड में पॉइंट चली गई तो फिर 5 का ब्रेक पॉइंट का ब्रेक मिलता सही. यहाँ पे अलग जहीर ने देखिए अब कोई गुंजाइश नहीं रखी इस पॉइंट को. दोनों पॉइंट डिफिकल्ट है बहुत फिर एक बार प्रशांत ने कोशिश तो की थी जरूर उसको थर्ड पॉकेट खेलते हुए या तो पॉकेट करने की टू ब्लैक कर मैंने बोर्ड बोर्ड इन द फेयर ऑफ जहीर पाशा मार दिया पाया और 5 पॉइंट्स. ये राहत नाम ना नहीं बोलते थे यहाँ पे नाम मतलब अपोजिट स्कोर बोर्ड पे तो हमारे रेफरी ने करेक्ट कर दिया है स्कोर बोर्ड पे स्कोर जरूर दर्शाएंगे. प्रशांत मोरे 4 और रहीम पाशा 9 3 बोर्ड के समाप्ति के बाद फर्स्ट सेमीफाइनल. दर्शकों से जरूर ये कहना चाहूँगा इस मैच को पूरा पूरा देखें, नज़रें जमा कर देखें क्योंकि जो आप सोच नहीं सकते वो इस मैच में हो सकते. दोनों खिलाड़ियों में बहुत बेहतरीन
कैपेसिटी है, ताकत है कोई भी सिचुएशन में मैच को चेंज करने की। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक कर दिया प्रशांत ने और बहुत बेहतरीन तरीके से एक पॉइंट को पॉकेट करके दूसरे वाइट पॉइंट को पॉकेट के नज़दीक ला के रखा। यहाँ पे ग्लांस का प्रयास हुआ और ग्लांस खेलते हुए दोनों पॉइंट को पॉकेट कर दिया है। अब क्वीन का प्रयास फिर एक बार, इस बार एकदम एग्जैक्ट क्वीन को पॉकेट कर दिया है। कवर भी बहुत बेहतरीन तरीके से पॉकेट कर दिया। मैंने बेहतरीन इसलिए कहा क्योंकि ये करना बैक थोड़ा डिफिकल्ट किया है। यहाँ पर थर्ड पॉकेट खेलते हुए रिबॉन की भी कोशिश की थी उन्होंने, इस वजह से जो दो वाइट थी वो पोजिशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। लेकिन यहाँ पर उनका टर्न मिस हो गया और टर्न पास होता हुआ जहीर, जहीर ने दो रन तो ईजी एक रन दे पॉकेट कर दिया और अब निहार रहे हैं सोच रहे हैं किस तरीके से। ये देखिए ये है इनके डिफरेंट स्ट्रोक जो हम सोच नहीं सकते। उन्होंने किस तरीके से अपने कॉर्नर को पॉकेट पे रखा और प्रशांत ने देखिए पंच करने की कोशिश की थी लेकिन पंच हमारा अच्छी तरीके से नहीं पॉकेट कर पाए। यहाँ पर जहीर अपनी पोजीशन को साउंड करते हुए धीरे धीरे एक एक ब्लैक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफेक्शन के साथ पॉकेट करने में कामयाब होते हुए अब सिचुएशन को हैंडल किस तरीके से करेंगे, पोजीशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे देखना है हमें। अगर इस पॉइंट को पॉकेट कर दिया तो मैंने कहा था सुबह का सत्र ये है, यहाँ पे थोड़ी नमी है बोर्ड के ऊपर, एसी हॉल है, अगर दो चार मैचेस हो जाएंगे तो फिर रनिंग बोर्ड हो जाएगा। लेकिन फिर भी दोनों खिलाड़ी उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अरेंज कर रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं। अब सोचना है जहीर क्या वो कट का प्रयास करेंगे, यहाँ मिस कर दिया है जैसे चाहिए थे वैसे इस तरीके से कट नहीं कर पाए और प्रशांत से भी पॉकेट में कोई मिस होते हुए यहाँ पे एक चांस मेरा मौका और दस ओवर चार ब्रेक के बाद और प्रशांत चार पॉइंट मैच ये यहाँ पे चलते हुए सेमीफाइनल बहुत बड़ा मुकाबला बहुत बड़ी दर्शक of the first set, Jahir Pasha of RBI to break score it 10 against 4. ये मैच आज संडे का दिन है और बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं इस मैच के लिए। यहाँ पे जहीर पाशा द्वारा ब्रेक होगा पांचवा, लेकिन ब्रेक सक्सेस नहीं होता, टर्न पास होता है प्रशांत के तरीके से हैंडल करते हैं। प्रशांत ब्लैक पॉइंट ऑपरेट करने में कामयाब है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनेक्शन पास कर दिया है और अब सिचुएशन निहार रहे हैं, पोजीशन को ढूंढ रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पर पीच का प्रयास जरूर होगा। फिर एक बार क्वीन पॉकेट के नजदीक जाकर लगती हुई तीसरी बार यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन आ चुकी है। प्रशांत ने क्वीन का प्रयास किया और क्वीन पॉकेट के बहुत नजदीक जाकर रुकी है, कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी जहीर को क्वीन कवर करने में। स्ट्रोक को थोड़ा बड़ा बड़ा कर यहाँ पे दोनों खिलाड़ी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि पॉइंट्स दोनों खिलाड़ियों की रुक रही हैं। एक अलग
स्टाइल है देखिए जहीर की, जब वो स्ट्राइकर प्रेस करते हैं तो कुछ अलग तरीके से उस स्ट्राइकर को वो रखते हैं। यहाँ पे बॉम का वापस करेंगे और कर लिया है देखिए, बहुत अच्छी तरीके से वाइट पॉइंट को नजदीक लेके आए हैं। अब थम को खेलने का प्रयास, थम को भी खेल लिया है। अब सोच रहे हैं यहाँ पे कि स्ट्रेट पॉइंट देख रहे हैं जा रही है और स्ट्रेट पॉइंट को भी किया। अब यहाँ भी देखना है कि कनेक्शन का प्रयास होगा और खेला है और इस 8 पॉइंट से वो बहुत ज़्यादा लीड पर चले गए हैं। हम देख रहे हैं 5 ब्रेक के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ जहीर पाशा 6-4 प्रशांत मोरे 6-4 ऑफ द फर्स्ट सेट, प्रशांत मोरे आर मेड टू ब्रेक स्कोर इज कड़ा मुकाबला 4-18। आई वेलकम आवर आईसीएफ प्रेसिडेंट मिस्टर मैच मेयर आल्सो वन ऑफ आवर इंटरनेशनल प्लेयर फ्रॉम कनाडा स्टेट सो वी आल्सो वेलकम यू फॉर दिस मैच नाउ सो आवर कलीग्स फ्रॉम पार्टी वन सेट आल्सो वेलकम 6-4 फर्स्ट सेट प्रशांत मोरे टू ब्रेक स्कोर इज 4-18 पार्टनर टू नेचर डिस्प्ले टाइटल स्पॉन्सर एलआईसी ऑफ इंडिया प्लैटिनम स्पॉन्सर इंडियन ऑयल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड ओएनजीसी। चलिए यहाँ पे ब्रेक हो चुका है प्रशांत द्वारा, 2 पॉइंट पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई प्रशांत यहाँ पे वाइट को एक वाइट पॉइंट को पॉकेट करते वक्त थोड़ी सी पोजीशन बनाने की कोशिश जरूर की थी, मनचाही पोजीशन नहीं हो पाई। यहाँ देखिए किस तरीके से बम खेला है, ब्लैक पॉइंट को लेके उन्होंने बहुत लंबे ही वाइट पॉइंट को बम तरीके से खेल लिया है और धीरे धीरे अब आगे अपनी पोजीशन खेलेंगे। बैलेंस पे वाइट कॉइन को खेलना है यहाँ पे और बहुत अच्छी तरीके से खेला, शायद क्वीन का प्रयास है, क्वीन को अब बहुत बेहतरीन तरीके से पॉकेट करने में कामयाब। इस तरीके से कंट्रोल देखिए, कवर को भी अच्छी तरीके से पॉकेट कर दिया है। अब देखते हैं इस सिचुएशन में शायद उनके पास मल्टी का ऑप्शन है या तो प्रेस और मैंने कहा था कि मल्टीपल ऑप्शन है, वो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने थर्ड का ऑप्शन चूज किया था बट सक्सेस नहीं हो पाए और जहीर पाशा खिलाड़ी के पास चला गया, उन्होंने 2 पॉइंट तो पॉकेट कर लिए। थम खेलते वक्त मिस कर दिया है थम को और फिर एक बार चांस मिलता हुआ प्रशांत। अब यहाँ पे भी प्रशांत को एक टी कट या फिर थर्ड दोनों में से एक मेरे ख्याल से कट ही चलेंगे और मेरे ख्याल से 13-13 ये है दोनों खिलाड़ियों की ताकत। मैंने कहा था तरीके से देखिए, और स्कोर बोर्ड पे अगर नज़र डालते हैं हम लोग तो 6 ब्रेक के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ सेकंड लास्ट बोर्ड ऑफ द फर्स्ट सेट 18 जहीर पाशा ऑफ आरबीआई टू ब्रेक स्कोर इज अब 18-13 दोनों खिलाड़ी 7th बोर्ड फर्स्ट सेट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा 18-13 यहाँ पे अगर गलती हो गई तो फिर सज़ा कुछ भी हो सकती है, उस
सजा का नतीजा का हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते। सीजर ग्रिप से ब्रेक बहुत बेहतरीन तरीके से ब्रेक को आगाज दिया है, यहाँ पे अंजाम दिया है और एक सिंपल वाइट कॉइन को पॉकेट कर दिया। यहाँ क्वीन के ऊपर नज़र जाती हुई जहीर की बहुत ही अच्छी तरीके से क्वीन को पॉकेट कर दिया है। फिर एक बार कवर जो इजी था उसे पॉकेट कर दिया है। धीरे धीरे देखिए चार कॉइन बची हुई है वाइट। अगर वाइट स्लैम के लिए जाना है तो फिर पोजीशन को बेहतरीन तरीके से खेलना होगा और उसी का प्रयास यहाँ पे चालू है। देखिए सिल्वर सिल अब ओहो यहाँ देखिए दो कॉइन बची थी लेकिन पॉकेट कर नहीं पाए। अब चांस मिला है प्रशांत को। प्रशांत ने एक धीरे धीरे अपनी ब्लैक कॉइन को ख़त्म करते हुए बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पे जहीर द्वारा, लेकिन वाइट स्लैम को नाकामियाँ भी मिलती हुई। देखिए किस तरीके से प्रशांत ने इस पोजीशन को खेला है, सारे कॉइन्स को ओपन करके अब धीरे धीरे पॉकेट करने में लगे पड़े हैं। और एक कॉइन को पॉकेट करना ही होगा, ये है डेरिंग। देखिए अब और ये स्ट्रेट कॉइन थी लेकिन इसको मिस कर दिया है, अनएक्सपेक्टेड मिसिंग है यहाँ पे। यहाँ पे गेम को सेव कर दिया उन्होंने। अगर अब ये यहाँ जीतना है के साथ 6 पॉइंट मिलते हुए जहीर को, जहीर चले गए हैं 24 पर और प्रशांत इज ऑन 13। लास्ट ब्रेक टू 13 आखिरी पहले सेमीफाइनल के पहले सेट का ये आखिरी ब्रेक अब खेलेंगे प्रशांत। और अगर जीतना है तो उन्हें वाइट स्लैम या फिर 12 का बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर टाई करनी है तो कम से कम 13 अगेंस्ट 24 खेल सकते हैं। लास्ट ब्रेक टू गो, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ प्रशांत मोरे वर्सेस जहीर पाशा। दोनों खिलाड़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हैं, दोनों RBI के एम्प्लॉज। 13 वर्सेस 24 यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेक हुआ है प्रशांत द्वारा। सिचुएशन को निहार रहे हैं एंड किस तरीके से हैंडल करना है। बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेट कॉइन को पॉकेट कर दिया यहाँ पे और एक वाइट कॉइन को पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई प्रशांत। अब सीजर ग्रिप से देख रहे हैं कि डबल टच खेलने का प्रयास था, नहीं खेल पाए, पॉकेट नहीं कर पाए। यहाँ पे एक कॉइन जहीर ने पॉकेट कर दिया। अब इक्वल का ब्रेक है और जहीर ने देखिए समझदारी से उनकी कॉइन पॉकेट में रखने का प्रयास किया था लेकिन इस कॉइन को भी प्रशांत ने खेल लिया है। सिचुएशन पोजीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है प्रशांत को, लेकिन अब देखना है इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे प्रशांत। ओहो रियल बैड लक यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर ये कॉइन पॉकेट होती तो प्रशांत को एक सुनहरा मौका था क्वीन और बाद में कवर को अरेंज करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और यहाँ पे जहीर ने देखिए 5 पॉइंट को पॉकेट कर दिया है।
यहाँ अब इस सीट की सिर्फ फॉर्मेलिटी बची है, क्योंकि कम से कम 11 पॉइंट चाहिए थे इक्वल करने के लिए प्रशांत को, और 12 पॉइंट चाहिए थे जीतने के लिए इस पहले सेट को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और ब्लैक कलर ऑन द बोर्ड पर सेट इन द पेयर ऑफ तो कर दिया, पैसा मार गया है, पॉइंट हो गए हैं 20 साइड चेंज वर्सेस 90, और पहला सेट जहीर पाशा इस खिलाड़ी ने जीत लिया है। अब सेकेंड सेट की शुरुआत होगी। दर्शकों से निवेदन है बार बार इस मैच को ना छोड़े, इस मैच को देखते रहें, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ पहला सेट हुआ है। दोनों खिलाड़ी दिग्गज हैं, दोनों खिलाड़ी मानने वालों में से नहीं है, हारने वालों में से नहीं है। अलग गेम का प्रदर्शन जरूर करेंगे, कुछ अलग तरीके के शॉट्स का प्रदर्शन जरूर करेंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा नए जुड़े हुए दर्शकों को, 49वीं सीनियर नेशनल कैरम चैंपियनशिप खेली जा रही है दादर श्री थलारई विशा ओसवाल हॉल में। आज टूर्नामेंट का आखिरी दिन है, गए 4 दिनों से ये टूर्नामेंट जारी है। कुल मिलाकर 229 पुरुष और 194 महिला खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये सारे खिलाड़ी 25 अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए थे, 13 इंस्टीट्यूशन से आए हुए थे। इस टूर्नामेंट को जो इक्विपमेंट पार्टनर थे वो है तुर्की कैरम बोर्ड, टाइटल स्पॉन्सर नेशनल खिला रही है महाराष्ट्र में। पहली बार कुडाल में हुई थी, सेकेंड नेशनल जलगांव में हुई थी, और ये थर्ड नेशनल हम खिला रहे हैं मुंबई। चलिए सेकेंड सेट मैच की तरफ रुख करते हैं। सेकेंड सेट में पहला ब्रेक यहाँ पे प्रशांत मोरे द्वारा किया गया है, और प्रशांत ने इस ब्रेक को बहुत अच्छी तरीके से कैसे मतलब खेला है। अभी तक 4 वाइड पॉइंट ब्रेक के बाद पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई प्रशांत को। पॉइंट को देखिए, डेलिकेटली खेलना चाहते थे क्योंकि एंगल प्रॉपर नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसमें उन्हें इस पोजीशन को थोड़ा सा ओपन ज़रूर करना था। हालांकि जहीर ने ये चीज़ जान ली, पॉकेट की जो कॉइन थी इसके ऊपर से अगर प्रशांत चाहते तो कुछ पोजीशन बना सकते थे, उसी कॉइन को उन्होंने खाड़ कर दिया। प्रशांत ने भी खाड़ की हुई कॉइन को इसी करने का प्रयास किया। यहाँ पे दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी टेक्निक से पोजीशन को हैंडल करेंगे। जहीर पाशा एक डैशिंग प्लेयर है, एक बार सिचुएशन को देखते हैं, उसको रीड करते हैं, और फिर उसको अलग तरीके से अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फिनिश पोजीशन तक पहुंच जाएं। यहाँ पे ये गेम प्रशांत को बहुत ही ज़्यादा परफेक्शंस के और समझदारी से खेलना होगा। यहाँ पे अगर कहीं मिसिंग होगी तो फिर नुकसान होने की संभावना है। फिर एक बार देखिए, सेफ टर्न करते हुए जहीर ने वाइट कॉइन को हार्ड करने की कोशिश की थी, उसी कॉइन को प्रशांत ने पॉकेट कर दिया। अब पोजीशन देखिए, एक वाइट कॉइन इजी है, लेकिन उसको मिस कर दिया। फिर एक बार उसी कॉइन को थोड़ा सा हार्ड करने का प्रयास जहीर द्वारा, कहीं पे भी छूट नहीं दे रहे प्रशांत को, कहीं पे भी इजी पोजीशन नहीं दे रहे प्रशांत को। लेकिन देखिए, एंगल खेलना था प्रशांत को, जो खेला भी ज़रूर, लेकिन अब यहाँ जो डिफ़िकल्ट कर रहे थे वो डिफ़िकल्ट ना होते हुए क्वीन ओपन हो गई है, क्वीन को खेल दिया प्रशांत ने। कवर को भी पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई, और यहाँ पे
बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हुए स्ट्राइकर को प्लेस कर दिया है और आठ पॉइंट ले लिए प्रशांत ने। सेकेंड सेट का पहला ब्रेक प्रशांत मोरे ने आठ पॉइंट ले लिए है। अब सेकेंड ब्रेक जो है जहीर द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे देखिए जहीर बहुत इम्पोर्टेंट मैच है दोनों खिलाड़ियों के लिए। मैं बताना चाहूँगा दोनों खिलाड़ी आरबीआई से बिलोंग करते हैं। प्रशांत इस फ्रॉम महाराष्ट्र एंड जहीर कर्नाटक से है। इंट्रास्टी सीनियर नेशनल कैरम चैंपियनशिप चलती हुई दादर में सेमीफाइनल का पहला मुकाबला जहीर पाशा वर्सेस प्रशांत मोरे। सेकेंड सेट में पहला सेट तो जहीर पाशा ने जीत लिया। सेकेंड सेट में पहले ब्रेक में आठ पॉइंट ले लिए प्रशांत ने और जहीर ने ये ब्रेक लिया है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए इस तरीके से डेलिकेटली हैंडल करते हैं पोजीशन को, जितनी चाहिए उतनी ही पोजीशन ओपन करते हैं जहीर। ये बहुत बेहतरीन कोशिश थी कट खेलने की, लेकिन थोड़ी से स्लो खेले स्ट्रोक को, पॉकेट के नज़दीक जाके कॉइन रुक गई है। प्रशांत देखिए हर एक सिचुएशन को अब अच्छी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से इस कॉइन को खेला और वाइट कॉइन जो जहीर की थी उसे डिफ़िकल्ट कर दिया। जहीर कोई भी कोशिश मतलब चांस नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशांत की कॉइन हार्ड करने का प्रयास यहाँ पे दोनों की सिचुएशन पोजीशन अगर अब बोर्ड में हम देखते हैं तो यहाँ पे कोशिश की प्रशांत द्वारा क्वीन को खेलने की, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रोक लगना चाहिए था वो ना लगते हुए क्वीन चली जाती है जहीर के इलाके में और जहीर ने क्वीन को पॉकेट कर दिया है। इजी कवर था, इजी कवर को भी पॉकेट कर दिया है। यहाँ पे देखिए एक रिबॉन्ड की कोशिश की, अगर ये रिबॉन्ड कनेक्ट होता तो शायद जहीर। यहाँ पे देखिए अब और ये प्रशांत की कोशिश थी, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इस पोजीशन को हैंडल करते हुए जहीर। और मेरे ख्याल से दोनों कॉइन को पॉकेट करने की कोशिश थी लेकिन सक्सेस नहीं मिलता हुआ जहीर को। क्या बात है, बहुत बेहतरीन तरीके से इस ब्लैक कॉइन को खेला है। और फिर एक बार मिस कर दिया, हल्का सा प्रेस था वहाँ पे, टच वाला प्रेस जिसको हम कहते हैं। ये रिवर्स शॉट का प्रयास जहीर करने जा रहे हैं, अगर कनेक्ट हुआ तो पॉइंट पॉकेट हो सकती है। देखिए आठ का ब्रेक था यहाँ पे जहीर, लेकिन प्रशांत एक पॉइंट को पॉकेट कर दिया, बची चार। और मिस करते हुए प्रशांत बोर्ड ब्लैक कर मैन ऑन द बोर्ड बोर्ड इन द पेयर ऑफ जहीर पाशा आरबीआई विद 7 पॉइंट्स। दोनों खिलाड़ी टफ पोजीशन में खेलते हुए, कांटे की टक्कर यहां पे जरूर दिखेगी इस
पर्टिकुलर सेट में अगर हम बात करेंगे तो दो ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ हमें दिख रहा है, प्रशांत मोरे 8 पॉइंट, जहीर पाशा 7 पॉइंट। थर्ड बोर्ड ऑफ द सेकंड सेट खिलाड़ियों के लिए प्रशांत मोरे अब आरबीआई टू ब्रेक, स्कोर इज 8 अगेंस्ट 7। महत्वपूर्ण मैच है। बहुत अच्छी तरीके से ये ब्रेक प्रशांत द्वारा पावरफुल ब्रेक यहाँ पे दिख रहा है। दो वाइट कॉइन को पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई और एक थम खेलने के प्रयास में मिस कर दिए हैं प्रशांत ने, टर्न पास होता हुआ जहीर के पास। देखिए इस तरीके से घुमा के उस वाइट को लेके आए हैं अपने फ्रेम में, एक जो बोलते हैं ना कन्फर्म टर्न उन्होंने रख दिया है। अभी जब इस तरीके से कोई एक टर्न हमें कंफर्म होता है खिलाड़ी को, तब वो फिनिश लाइनअप के नज़दीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये होती है अच्छे खिलाड़ी की पहचान। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा टर्न का कैलकुलेशन करते हैं, और जो खिलाड़ी टर्न कैलकुलेशन से खेलते हैं कैरम उन्हें 100% जीत प्राप्त होती है। देखिए प्रशांत ने भी इतनी ओपन पॉइंट थी उनको सबको पॉकेट कर दिया और इस पंच को बहुत बेहतरीन तरीके से खेला। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जहीर ने अपने कॉइन को इजी किया और प्रशांत की जो कॉइन थी पॉकेट पे उसको फाड़ कर दिया। अब यहाँ इस ब्लैक को खेलने का प्रयास है, जानबूझकर खेला, क्योंकि नहीं तो फिर प्रशांत ने एक इजी शॉट था, शॉट को ब्रेक करने के लिए शायद जहीर ने इसे खेला और कोई चांस नहीं दे रहे, कोई चारा नहीं है प्रशांत के पास, और इसलिए प्रशांत भी बीच का क्लस्टर ओपन करने की सोच में भी नहीं है। दोनों खिलाड़ी रुको, प्रशांत ने एक अब देखिए जहीर ने एक ब्लैक कॉइन को पॉकेट कर दिया है, सेंटर के बाहर सर्कल के बाहर वाले एक स्ट्रेट कॉइन को भी पॉकेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने हार्ड ब्लैक कॉइन को थर्ड पॉकेट खेलते हुए प्रशांत के वाइट पीस को अपने हिस्से में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वैसा नहीं हो पाया और प्रशांत भी अपनी पोजीशन बनाने के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे कट बैक मारकर, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिलती हुई। दोनों खिलाड़ी अब हर एक सिचुएशन को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जहीर ने क्लस्टर नहीं बोल सकते, उस सिचुएशन को खींच लेने की कोशिश की। अब प्रशांत सोचते हुए कि क्वीन क्या खेले निहारते हुए इस पोजीशन को, और ऊपर से वाइट कॉइन को पॉकेट करने की कोशिश, लेकिन उसमें नाकामयाबी मिलती हुई। अब देखेंगे जहीर किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। जहीर ने क्वीन को सेफ जोन में लेके आए हैं और कट मारने का प्रयास प्रशांत द्वारा मिस कर दिया। इसका फ़ायदा उठाया है जहीर ने, क्वीन खेलते वक्त अपने ब्लैक कॉइन को इजी कर दिया है, और यहाँ पे तरीके से अपने ब्लैक कॉइन को रिलीज कर लिया है जहीर ने, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ये कनेक्शन प्रशांत द्वारा और कट खेलने का प्रयास था, लेकिन फिर एक बार मिस कर दिया प्रशांत ने। हेड कट है जहीर को और जहीर ने इसे पॉकेट करते हुए फिर एक बार थर्ड ब्रेक भी अपने नाम कर दिया है 4 पॉइंट के साथ। तो जहीर अब है 11 पॉइंट पर, प्रशांत
8 पॉइंट पर प्रशांत का ब्रेक ले लिया है, सर्विस ब्रेक कर दी प्रशांत की, ब्रेक कर दिया है और 11 वर्सेस 8 ये स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ, जहीर पाशा 11 पॉइंट और प्रशांत 8 पॉइंट। सेमीफाइनल का ये मुकाबला दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में झूंझता हुआ, अब इस सिचुएशन में कहना मुश्किल है कि क्या नतीजा क्या अंजाम हो सकता है, इसलिए आपको देखें हम इस मैच को देख रहे हैं और आपके लिए यहाँ पे कमेंट्री जारी है। ब्रेक फेल होने के बाद प्रशांत ने भी ब्लैक को पॉकेट करने की कोशिश की थी लेकिन इसमें नाकामी भी मिलती हुई, थंब को पॉकेट कर दिया जहीर ने। सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और कनेक्शन के मामले में या फिर शार्प कट के मामले में अगर जहीर को हम देखें तो खासियत बहुत अच्छी है उनकी, पोजीशन हैंडलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से प्रशांत ने हार्ड प्रेस करते हुए वाइट को भी हाथ में ले लिया और अगले टर्न में क्वीन को भी अपने नजदीक ले लिया। देखिए किस तरीके से जहीर ने पोजीशन को बना लिया है, दोनों पॉइंट रिलीज करने का प्रयास था यहाँ पे जहीर द्वारा, क्वीन को भी और वाइट को भी। फिर एक बार प्रशांत ने क्वीन को अपने पास खींच लिया है, और यहाँ पे क्वीन को ज़रूर डिफ़िकल्ट करना चाह रहे थे जहीर लेकिन कर नहीं पाए, क्वीन बम के माध्यम में प्रशांत के सामने है और क्वीन को मिस कर दिया प्रशांत ने। फिर एक बार चांस प्रशांत को, अब की बार कोई गलती नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से थंब खेला और फिर एक बार बम को क्रिएट करने का प्रयास था, कर तो चुके हैं, देखना है किस तरीके से इसे अंजाम देंगे। यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखते हैं ब्लैक पॉइंट्स की तो देखिए किस तरीके से पॉकेट के नज़दीक थोड़ी इसको टकरा कर यहाँ पे थंब को मिस करते हुए जहीर। अब सिचुएशन हमें देखना है, 4 वाइट पॉइंट्स बोर्ड पे है, 6 ब्लैक पॉइंट्स बोर्ड पे है और प्रशांत डेलिकेटली उसे रिटर्न खेलते हुए, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं गिरता हुआ पोजीशन में, दोनों खिलाड़ी बहुत ही समझदारी के साथ पोजीशन को हैंडल कर रहे हैं, कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को कोई चांस देना नहीं चाहता, इसकी वजह से एक इजी फिनिश उन्हें आ सके। लेकिन यहाँ पे देखिए पोजीशन थोड़ी फेवरेबल कंडीशन में जाती हुई प्रशांत के, अगर यहाँ पे ये कॉइन पॉकेट कर दी है और अपने एक ब्लैक के लिए जगह बना ली है, अब बची 2 ब्लैक और 4 वाइट कॉइन और बहुत अच्छी तरीके से एक ओपन रिबॉन्ड खेला है प्रशांत ने और सोच रहे हैं कि अब एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन सेकेंड थॉट पॉकेट की कॉइन को हार्ड करने की कोशिश। यहाँ पे देखिए जहीर ने अपनी एक कॉइन से इजी कर दिया और फिर एक बार डिफिकल्ट पोजीशन रख दी प्रशांत के लिए। प्रशांत ने भी अब चेस खेलेंगे दोनों जन, यहाँ पे एक कॉइन इजी कर ली है जहीर ने, उसी कॉइन को हार्ड कर दिया प्रशांत ने,
अब तो सिर्फ हमें देखना है, एक दो मिनट तक तो यही चलेगा शायद, दोनों उस पोजीशन को नहीं छेड़ेंगे जब तक कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। दोनों खिलाड़ी एक ही कॉइन को प्रशांत डिफिकल्ट कर रहे हैं तो फिर जहीर उसको इजी कर रहे हैं। ओहो, बहुत अच्छी तरीके से एंगल खेला था और पॉकेट करने का प्रयास था। यहाँ पे देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से पॉकेट के इस कॉइन को सीजर ग्रिप से उन्होंने हार्ड कर लिया और उससे भी बेहतरीन तरीके से जहीर ने उसको पॉकेट कर दिया। अब देखिए और एक कॉइन को उसने बाहर निकाला है जहीर ने, अब इसके पीछे लगेंगे प्रशांत। यहाँ पे कैरम कम और चेस का मुकाबला शुरू हुआ है। देखिए किस तरीके से एकदम मस्ती करा के रख दिया है और यहाँ प्रशांत शायद कोशिश कर रहे हैं ब्लैक कॉइन को खेलने की। आखिर प्रशांत ने डेयरिंग कर दी थी लेकिन कॉइन पॉकेट नहीं हो पाई। देखिए जहीर करने में कामयाब मिलता हुआ जहीर को, बहुत ही कम जगह थी पॉकेट के नज़दीक थी वाइट कॉइन, फिर भी उसके बाजू से उन्होंने बैलेंस पे ब्लैक कॉइन को ड्रॉप कर दिया और फिर एक बार था ब्रेक भी उन्होंने जीत लिया है एक कॉइन से। अब स्कोर बोर्ड पे दो सेट सेकंड सेट और स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ चार ब्रेक के बाद प्रशांत 8 जहीर 12 पॉइंट। यहां पे ब्रेक सक्सेस प्रशांत द्वारा, एक कनेक्शन को खेलने की कोशिश उसमें कामयाबी मिलती हुई। अब फिर एक बार नज़दीक की कॉइन से सिचुएशन एंड पोजीशन को बनाने की कोशिश। यहाँ पे देखिए टच पे खेलने का प्रयास था, दोनों कॉइन पॉकेट, दोनों में से एक भी कॉइन पॉकेट नहीं हो पाई। जहीर का कंट्रोल देखिए, जहीर ने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्टैंडिंग कट खेलते हुए एक ब्लैक कॉइन को इजी कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए इस वाइट कॉइन को पॉकेट करने के प्रयास में उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। फिर एक बार प्रशांत बहुत बेहतरीन तरीके से कटबैक खेलते हुए, यहाँ पे हमें देखना है और कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे ज़रूर। देखिए उन्होंने किया था लेकिन पॉकेट नहीं हो पाई, वरना उन्होंने और एक हार्ड वाइट कॉइन को इजी कर लिया था। यहाँ पे अब जहीर पोजीशन खेलते हुए बहुत अच्छी तरीके का कंट्रोल यहाँ पे जहीर द्वारा दिखता है हमें। अब बहुत बेहतरीन, कोई चांस नहीं दे रहे हैं प्रशांत को। यहाँ पे प्रशांत ने थोड़ा सा ग्लांस करते हुए पॉकेट के नज़दीक वाली वाइट को खेल लिया है, लेकिन अगर हम इस बोर्ड को देखते हैं तो क्वीन बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, उसको रिलीज़ करना होगा। यहाँ पे क्या अब मेरे ख्याल से क्वीन को थर्ड पॉकेट खेलेंगे, खेल तो लिया है बहुत अच्छी तरीके से और लास्ट कॉइन बची है और कॉन्फिडेंस के साथ डबल खेला और कवर भी बहुत ही अच्छी तरीके से नो मिसिंग पॉकेट कर दिया है। इस चीज़ की ज़रूरत थी क्योंकि पीछे चल रहे थे प्रशांत। अब हम देख सकते हैं 5 ब्रेक के पश्चात
स्कोर बोर्ड के स्कोर दर्शाता हुआ प्रशांत मोरे 15 15 और जहीर पाशा 12। अब हर एक ब्रेक के बाद यहाँ पे सिक्स बोर्ड ऑफ द सेकंड सेट जहीर पाशा ऑफ आरबीआई टू ब्रेक स्कोर इन 12 अगेंस्ट 15 ही आगे चल रहा है क्योंकि दोनों खिलाड़ियों के लिए पहला सेट जीता है जहीर पाशा ने, तो ज़रूर प्रशांत बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे इस सेट को जीतने के लिए। यहाँ पे एक ज़बरदस्त ब्रेक का प्रदर्शन और आगे खेलने का प्रयास जहीर द्वारा। थम खेल रहे हैं, थम को खेल लिया है और एक थम है पीछे उसे खेलने का प्रयास, वो भी बहुत अच्छे तरीके से खेला। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से धीरे धीरे पोजीशन को बनाते हुए खेलते हैं जहीर। अब क्लस्टर को धीरे से ओपन कर दिया, हल्के हाथों से खेला, क्वीन को अपने एरिया में ले लिया है और दोनों बाइल जो बची हुई थी उनको ओपन कर दिया है। अब ये टर्न प्रशांत के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स वो पॉकेट कर सके उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल शो करते हुए प्रशांत मोरे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब क्रुशल टर्न है, बहुत ही क्रुशल। क्या बात है, बेहतरीन कट खेली और वाइट को कम से कम एक वाइट को तो उन्होंने ऐसी पोजीशन पे लाके रखा है कि जिसके लिए जहीर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और ये बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन, यहाँ पे पोजीशन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, जो कम्प्लीट पोजीशन जहीर के फेवर में थी अब प्रशांत ने उसे अपने फेवर में लाके रखा है। फिर भी क्वीन डिफ़िकल्ट पोजीशन पे है ज़रूर, लेकिन कुछ ना कुछ करते हुए हमें देखना है कि किस तरीके से अभी इसे हैंडल करेंगे। एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, शॉट्स बहुत ज़्यादा है इन दोनों खिलाड़ियों के पास। स्टॉप और बहुत टाइम आउट कर दिया यहाँ पे, शायद स्ट्रैटेजिक हो सकता है, कुछ इसमें प्लानिंग हो सकती है। क्या बात है, कंट्रोल देखिए, जिस ब्लैक कॉइन से वो पोजीशन बना सकते थे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो इजी कॉइन थी उसको हार्ड कर दिया। अब यहाँ पे प्रशांत कुछ कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से खेला, वाइट को हार्ड किया, ब्लैक को इजी कर दिया, फिर एक बार क्रूशियल मोमेंट दोनों खिलाड़ियों के लिए। सम्मानजनक ड्रॉप कर दिया इस वाइट को क्योंकि उसमें पोजीशन होने की चांसेस थी। यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों के बीच में क्या चलेगा अभी पता नहीं है, शायद ये बोर्ड और कितने मिनट तक चलेगा ये सिचुएशन की जो है उसे छुएगा कौन, ये इन दोनों को ही पता है। अभी बहुत लंबा चलेगा ये ब्रेक, थोड़ा आराम दे दिया इन्होंने, थैंक यू फॉर दैट। इसे कहते हैं सेमीफाइनल का मुकाबला।
खेल ली है। अब देखिए एंगल चेंज कर दिया है शरीर ने, प्रशांत ने हार्ड करते हुए दोनों बार थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी डबल टच हुई थी। अब शायद उनके माइंड में कुछ अलग चलता हुआ। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी देखना है जहीर क्या कहते हैं। शायद बॉल कट हो सकता है और डेयरिंग देखिए जहीर की, जहीर ने बिंदास सिचुएशन को पीछे खींच लिया था। क्या बात है, दोनों पॉइंट को अपने नज़दीक ले लिया है। अब इम्पोर्टेंट टर्न है दोनों खिलाड़ियों के लिए और ये पॉकेट होने ही वाली थी क्वीन, लेकिन पॉकेट पे जाके वापस आ गई है। अब देखना है सही प्रशांत, बहुत अच्छे तरीके से खेलने का प्रयास था प्रशांत द्वारा, लेकिन क्वीन के कवर को पॉकेट नहीं कर पाए, क्वीन आउट हो गई है। जहीर को कवर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ क्वीन को पॉकेट करना है। लेकिन मैंने कहा था कि कोई सिचुएशन में कोई भी पॉइंट इतनी इजी नहीं होती, तो यहाँ पे क्वीन करते क्वीन कवर प्रशांत ने ले ली है और ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉइन है। थर्ड पॉकेट खेल के और बच्चे दो ब्रेक, आखिरी दो ब्रेक दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ब्रेक होगा प्रशांत का और इस ब्रेक छः ब्रेक के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ प्रशांत मौर्य सेवन बोर्ड ऑफ द सेकंड सेट प्रशांत मौर्य आरबीआई टू ब्रेक स्कोर इज 19 अगेंस्ट 12 19-12 सेवन बोर्ड सेकंड सेट डिस्प्ले प्रशांत की ब्रेक सक्सेस किया है। देखने गए तो पोजीशन उतनी साउंड नहीं है, फिर भी उसको क्रिएट करेंगे। ब्लैक पॉइंट हार्ड कर दिया है और कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांस नहीं रखा जहीर को उसी पॉइंट को दूसरे वे से पॉकेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेक दोनों खिलाड़ियों के लिए, बहुत ही डेलिकेटली इसे हैंडल करेंगे क्योंकि बहुत कैपेसिटी है दोनों खिलाड़ियों के पास। अगर एक बार कोई चांस मिले या पोजीशन मिल जाए तो फिर फिनिश तक जा सकते हैं। यहाँ पे मिस करते हुए एक स्ट्रेट पॉइंट हो, सेकेंड लास्ट ब्रेक है तो इस ब्रेक को जीतने की कोशिश दोनों खिलाड़ी ज़रूर करेंगे। देखते सफलता किसके हाथ आती है। बहुत अच्छी तरीके से सीजर ग्रिप से कंट्रोल पे बैलेंस पे खेल दिया और अब कुछ एक थॉट माइंड में आते आते सेकेंड थॉट पे चले गए प्रशांत। शायद क्वीन को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का प्रयास था लेकिन वैसे नहीं कर पाए। अब यहाँ पे देखिए जहीर की स्ट्रेटजी क्या, अब क्वीन के लिए जाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों खिलाड़ियों के लिए। क्वीन खेलने का प्रयास तो था ज़रूर लेकिन पॉकेट नहीं कर पाए क्वीन।
करके इस एंगल पे लाके रखा है, शायद वहाँ से उन्हें जहीर के लिए वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दिख रही क्वीन। देखिए किस तरीके से अपने पोजीशन को ख़त्म करते हुए जहीर निकल जा रहे हैं आगे, बहुत अच्छी तरीके से एक कनेक्शन खेला। अब शायद क्वीन को खेल रहे हैं, लड़ी के पास बहुत बेहतरीन। अब इम्पोर्टेंट टर्न है यहाँ पे, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे इस कॉइन को। और पॉकेट तक आकर रुक गई है ये कॉइन। अगर ये कॉइन पॉकेट होती थी तो 8 का ब्रेक मिलता, लेकिन तब तक प्रशांत ने 2 कॉइन को पॉकेट कर दिया है। बहुत अच्छी तरीके से 3 को भी पॉकेट कर दिया है। और अब देखना है कि बहुत क्रूशल टर्न है, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए थर्ड पॉकेट खेलते हुए रिटर्न और ब्रेक चला गया है जहीर के खाते में, और 5 पॉइंट से अब बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ प्रशांत मोरे 90 जहीर पाशा 70। बहुत तगड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है यहाँ पे। और ब्रेक है जहीर का, फिर एक बार दर्शकों को बताना चाहूँगा सीनियर नेशनल कैरम चैंपियनशिप 22 चल रही है, चला रही है विशाल वन और दादर में। इसके इक्विपमेंट पार्टनर कैरम बोर्ड टाइटल बैंक ऑफ इंडिया के बीच में डिफरेंस ऑफ 0.2 इन द 8th बोर्ड ऑफ द सेकंड सेट, फर्स्ट सेट इन फेवर ऑफ जहीर पाशा ऑफ आरबीआई। मैं बताना चाहूंगा डिस्प्ले और ये लास्ट ब्रेक यहाँ पे शुरुआत होती है। यहाँ पे ब्रेक फेल होता हुआ प्रशांत को चांस मिलता है, प्रशांत ने 1 ब्लैक कॉइन को पॉकेट कर दिया। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ब्रेक दोनों खिलाड़ियों के लिए, डू आर ऑल डाई सिचुएशन वाला ब्रेक। देखिए पोजिशन खेला है जोर से क्रिएट करने के लिए प्रशांत ने, हार्ड स्ट्रोक खेला है। और इसमें अगर हम देख सकते हैं तो ज़्यादा कॉइन बहुत बेहतरीन। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ब्रेक जर्मन में बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो सेकेंड सेमीफाइनल चालू है उसमें 1 ही चल चुका है। सेकेंड सेमीफाइनल का जो मुकाबला चल रहा है वो संदीप दुबे वर्सेस अब्दुल रहमान, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। पहला सेट संदीप दुबे ने जीत लिया था, सेकेंड सेट अब्दुल रहमान ने जीता, और वहाँ पे भी थर्ड सेट चालू है। यहाँ पे देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से अपने पोजीशन को बनाते हुए फिनिश पोजीशन के लिए जाने की कोशिश यहाँ पे। और बेहतरीन क्वीन को पॉकेट पे लाके रख दिया है, सामने कवर है, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। एक आखिरी कॉइन जहीर पाशा, क्या इस कॉइन को पॉकेट करेंगे? अब एक सुनहरा मौका है प्रशांत के पास। प्रशांत ने इस कॉइन को दफन कर दिया है ब्लैक के पीछे, और अब थोड़ी कॉन्फिडेंस के साथ
बची हुई 5 ब्लैक कॉइन को पॉकेट करने का प्रयास जरूर करेंगे। हालांकि 3 कॉइन जो है, हालांकि चारों कॉइन प्रशांत को इस सिचुएशन में थोड़ी टफ ही है, लेकिन खेलना तो पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 कॉइन को इजी कर दिया है, हालांकि डबल टच ग्लांस डबल टच करने का प्रयास था जिसमें सक्सेस नहीं हो पाए। बहुत समझदारी की का टर्न खेला है यहाँ पे जहीर ने, क्योंकि जो जिस कॉइन को उन्होंने हार्ड किया है वो प्रशांत की फॉर्म की कॉइन थी। यहाँ देखिए फिर एक बार प्रशांत ने अपने दोनों कॉइन को इजी कर दिया है। अब फिर एक बार ये क्रूशल बोर्ड होगा, लगातार ये थर्ड बोर्ड है जो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो रहा है। यहाँ पे देखिए अब डेयरिंग है, अब एक्सपीरियंस है। ओहो, मिस कर दिया है प्रशांत ने, और जरूर के लिए सबसे बड़ा टर्न है यहाँ पे। और कॉइन को पॉकेट करते हुए दोनों स्ट्रेट है। स्कोर 22. अरे क्राउड जरा अंदर आ जाओ, प्लीज क्लोज करो।